हेलो फ्रेंड, टेक फॉर फन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि सबसे आसान तरीका से जीरोधा में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीरोधा इंडिया का नंबर वन ट्रेडिंग ऐप है। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इसका मतलब आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं और शेयर मार्केट सीखना चाहते हो। तो शेयर मार्केट सीखने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। उसके लिए आप कोई भी ब्रोकर को चूज कर सकते हो, लेकिन जीरोधा वन ऑफ द बेस्ट इंडियन ट्रेडिंग ऐप है जो कि मिनिमम चार्ज में ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है। ये मिनिमम चार्जेबल कैसे है, ये मैं कोई और वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा। तो आज आपको बता दूं कि जीरोधा में अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको चाहिए पैन कार्ड, और पैन कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। उसके साथ ही चाहिए आपको आधार कार्ड। आधार कार्ड इसीलिए ताकि आपका ई वेरिफिकेशन आसानी से हो जाए। और उसके साथ ही चाहिए आपको अपने बैंक पासबुक का आपका स्टेटमेंट, या फिर आपको कैंसिल चेक चाहिए आपके बैंक को वेरीफाई करने के लिए। और उसके साथ चाहिए आपको एक वाइट पेज में आपका साइन किया हुआ। बस ये चार डॉक्यूमेंट के साथ ही आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप कमोडिटी MCX भी आप चूज करते हो तो आपको इनकम प्रूफ दिखाना पड़ता है। इनकम प्रूफ दिखाने के लिए 6 मंथ का लेटेस्ट सैलरी स्लिप, या फिर 6 मंथ का लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप कमोडिटी में वेरीफाई कर सकते हो अपने इनकम को। इसके साथ ही मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि जीरोधा में अकाउंट ओपन करने का 200 रुपये का मिनिमम चार्ज है, और अगर आप कमोडिटी भी लेते हो तो आपको 300 रुपये का अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगता है। उसके बाद आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो कि हर एक साल 300 रुपये देना होता है, चाहे वो आप इक्विटी का लो या कमोडिटी का लो या भी कंबाइंड लो, आपको 300 रुपये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के रूप में देना होता है। तो चलिए मैं अब आपको आसान शब्दों में और प्रैक्टिकली आपको बता दूँ कि न्यू यूजर जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग कैसे करें। तो आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा ओपन अकाउंट इन जीरोधा। यहाँ पे इस लिंक को आप क्लिक करके आपको जीरोधा के ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइप करके ले जाया जाएगा। वहाँ पे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा तो आपको 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर मांगा। तो आप जिस भी मोबाइल नंबर पर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। पे क्लिक करते ही आपको OTP आ जाएगा। वो OTP आप सिंपली यहाँ पे डाल दीजिए, और OTP डालने के बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। आप कंटिन्यू बटन क्लिक करने के बाद आपको आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे मांगा जाएगा, जैसे कि नाम और ईमेल एड्रेस। नाम और ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करिए, और आपको आपके ईमेल एड्रेस पे भी कंफर्मेशन का OTP जाएगा। उस ईमेल के कॉन्फर्मेशन OTP को आप यहाँ पे सिंपली इंटर करके आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए हमारा ये भी वेरिफिकेशन आ गया है 87130 बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका इस तरह से आपका ईमेल भी वेरीफाई हो चुका है। आपको यहाँ पे आपका पैन कार्ड डिटेल और डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड डिटेल इंटर करने के बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। पे अकाउंट ओपनिंग फ़ी, तो आपको यहाँ पे वन टाइम अकाउंट ओपनिंग फ़ी लगता है। अकाउंट ओपनिंग फ़ी के बारे में मैं वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आपको अकाउंट ओपनिंग फ़ी लगेगा 200 रुपये मिनिमम, और अगर आप कमोडिटी भी लेना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप बिगिनर हो या फिर ट्रेडिंग मार्केट में न्यू हो तो आप 200 रुपये का अकाउंट ओपनिंग फ़ी दे के भी अकाउंट को ओपन कर सकते हो। और अगर आप बाद में आपको अभी चाहते हो कि कमोडिटी भी आप रखो तो कमोडिटी भी आप बाद में ऐड करा सकते हो। आप ये इक्विटी वाला 200 रुपये वाला आप फी पेमेंट करके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। बाद में आप जब शेयर मार्केट ज़्यादा सीख जाओगे तो आप ये कमोडिटी वाला ऑप्शन बाद में भी ले सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना UPI से पेमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ UPI से पेमेंट कर रहा हूँ, आप चाहे तो कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते थे। तो चलिए यहाँ पर UPI ID डाल के मैं पे एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूँ। मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, और मैं अपने वेबसाइट में रिफ्यूचर रिटर्न चला जाता हूं। तो देखिए हमारा पेमेंट यहां सक्सेसफुल दिखा दिया है। योर डिटेल एज फेच फ्रॉम द रजिस्टर्ड KYC। तो देखिए यहां पर हमारा डेट ऑफ बर्थ, नाम और फादर का नाम, ये सब सारा डिटेल हमारा आ चुका है। तो यहां पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देते हैं।
स्टेप थ्री में आपके प्रोफाइल में आपको मैरिटल स्टेटस का डिटेल पूछा गया कि आप सिंगल हो कि मैरिड हो। मैं अभी सिंगल हो तो सिंगल डाल लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको मदर का फर्स्ट नेम और मदर का लास्ट नेम डालना है। उसके बाद आप यहाँ पर बैकग्राउंड में अपना एनुअल इनकम इंटर कर दीजिए। एनुअल इनकम आप अपने जो भी सिलेब में आते हैं वो यहाँ पर चूज कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सही ही एनुअल इनकम चूज करें, क्योंकि आप फ्यूचर में अगर कभी कम्यूनिटी लेते हैं तो आपको इनकम प्रूफ देना होता है। कम्यूनिटी ट्रेड क्लेरिफिकेशन में आप यहाँ पर अदर चूज कर लीजिए, क्योंकि हमने कम्यूनिटी का सिलेब चूज नहीं किया था। उसके बाद ट्रेड एक्सपीरियंस, तो ट्रेड एक्सपीरियंस में आप न्यू 1 to 5 ईयर, 5 ईयर to 10 ईयर, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। तो मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे न्यू चूज कर लेता हूँ, ठीक है। फिर ऑक्यूपेशन में जाके आप किस टाइप का ऑक्यूपेशन आप यहाँ पे करते हो, बिजनेस, गवर्नमेंट सर्वेंट, प्रोफेशनल, स्कूल टीचर, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, तो मैं गवर्नमेंट सर्विस चूज कर लेता हूँ, ठीक है। फिर आपको चाहिए फंड एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट प्रेफरेंस। देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, वंस एवरी कैलेंडर क्वार्टर और वंस इन ए कैलेंडर मंथ। वंस एवरी कैलेंडर क्वार्टर करने पे आपका जो भी डीमैट अकाउंट में अनयूजुअल अमाउंट रहेगा वो आपके 3-3 महीने के बाद ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। वही अगर आप वंस इन ए कैलेंडर मंथ करते हो तो आपके डीमैट अकाउंट में जो भी अनयूजुअल अमाउंट रहेंगे 10 दिन से ऊपर के, वो आपके हर एक मंथ के लास्ट कैलेंडर डे को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरह यहाँ पर आपको मंथली सेटलमेंट मिलेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस ऑप्शन से आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस को विड्रॉल से कोई मतलब नहीं है। आप जब चाहे तब भी आप अपने अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हो, इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। फिर आप देखिए यहाँ पे पूछ रहा कि आर यू पोलिटिकल एक्सपोज पर्सन, तो यहाँ मैं कर देता हूँ नो और यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ पर स्टेप थ्री भी कम्प्लीट हो गया। स्टेप फोर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको लिंक योर बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर आप डालोगे, आप उसी बैंक अकाउंट से आप ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते हो और विड्रॉल कर सकते हो। तो इसीलिए आप अपना जो अकाउंट यूज करते हो वो अकाउंट यहाँ पर आप अपना सही से इंटर कर दीजिए। आपको अकाउंट में यहाँ पर बैंक का ब्रांच का IFC कोड, ब्रांच MICR कोड, ये सब सारे डिटेल आपको आपके पासबुक में मिल जाएंगे। फिर आपको बैंक अकाउंट का नंबर आपको दो बार डालना है ताकि आपका कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे आपको हर एक चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। सारे आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। स्टेप फाइव में आपको वेबकैम वेरिफिकेशन करना होगा। वेबकैम वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे आप अलाउ बटन पे क्लिक कर दीजिए। अलाउ बटन पे क्लिक करते ही आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैमरा हमारा ऑन हो चुका है। ना क्या देख दोस्तों, यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है। इस नंबर को एक वाइट पेपर में लिख के आपको, जैसे कि यहाँ सैंपल में दिख रहा है, उस तरह आपको पेपर को होल्ड करके रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। आपको फ़ोटो क्लिक करना है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपका फ़ोटो क्लियर आना चाहिए और आपका नंबर भी सॉफ होना चाहिए। यहाँ पर एक बार कन्फर्म कर लीजिए। कन्फर्म करने के बाद थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइम का वेट करिए। स्टेप सिक्स में आपको चार डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एक तो आपका बैंक स्टेटमेंट, दूसरा अगर आप कम्यूनिटी चूज किए हो तो आपको इनकम प्रूफ डालना पड़ेगा, जो कि ऑप्शनल है। उसको आप डाल भी सकते हो, नहीं डाल सकते हो। मेरे केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए मैं इसको नहीं डालूंगा। थर्ड नंबर में आप अपना सिग्नेचर एक वाइट पेज में करके रख लीजिए, सिग्नेचर डालना होगा। और फोर्थ नंबर में आप अपना पैन कार्ड रेडी रख लीजिए, जो कि पैन कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देता हूँ। मैंने इंटरनेट बैंकिंग से अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके रखा हूँ। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं करते हो तो आप जाके बैंक से भी अपना पासबुक का स्टेटमेंट ले सकते हो। और यहाँ पे आप अपना चेक, कैंसिल चेक भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन मैं कैंसिल चेक ना यूज करके अपना पासबुक का स्टेटमेंट अपलोड कर रहा हूँ। बाकी इनकम प्रूफ ऑप्शनल है। जो कम्युनिटी का ऑप्शन चूज करते हैं उन्हें इनकम प्रूफ डालना मस्ट हो जाता है, लेकिन हमने सिर्फ इक्विटी वाला ऑप्शन चूज किया और 200 रुपये वाला प्लान ले रहा हूँ, इसलिए हमें इनकम प्रूफ यहाँ पे डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए उसके बाद हम यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे वाइट पेपर में सिग्नेचर करके रखा हूँ, तो इसको मैं डायरेक्ट कैमरा से ही अपलोड कर देता हूँ। तो इसको आप अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हो। क्रॉप करके आप यहाँ पर डन बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका देखिए सिग्नेचर भी सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है। सिंपली इसी तरह से आपको यहाँ पर आपका पेन डिटेल भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है। सक्सेसफुली अपलोडेड दिखा दिया।
तो हमारे तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है। तो मैं स्टेप 6 को कंप्लीट करता हूँ, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ई साइनिंग का ऑप्शन दे रहा है, ई साइनिंग के लिए हम ई साइनिंग में चलते हैं और हमारा आधार कार्ड का यहाँ पर डिटेल मांगा जाएगा और आधार कार्ड से हम ई साइनिंग करेंगे। आप यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइनिंग पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करके आप अपना OTP जो कि आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा उसको इंटर करके आप अपना ई साइनिंग कन्फर्म कर लीजिए। एक बार ई साइनिंग कन्फर्म करने के बाद आपको दोबारा सेम प्रोसेस करके आपको दोबारा ई साइनिंग करना है। दोबारा ई साइनिंग करते ही आपको सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और आपको ई साइनिंग कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे इक्विटी ई साइनिंग डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे अगर आप कम्युनिटी चूज करना चाहते हो या फिर कम्युनिटी चूज की हो तो एनेबल कम्युनिटी पे चूज करके आप यहाँ पे कम्युनिटी का भी वेरिफिकेशन कर सकते हो आधार कार्ड से, नहीं तो यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन इज कम्प्लीटेड आफ्टर वेरिफिकेशन, यू विल रिसीव योर लॉगिन क्रेडेंशियल ऑन योर ईमेल। तो ईमेल के थ्रू हमें लॉगिन का यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो हमारा अभी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है, ये 1 या 2 वर्किंग डे में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।